मध्य प्रदेश के सागर जिले के रहली क्षेत्र के रजवांस गांव में एक 7 साल की मासूम बिटिया की नाली में डूबने से मौत हो गई थी। आपको बता दें, यह मासूम बिटिया खेलते खेलते नाले के पास पहुंची, उसका पांव फिसल गया जिससे वह नाले में गिर गई और पानी में डूब गई, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। जैसे ही घटना की जानकारी लगी तो तमाम अधिकारी मौके पर रजवांस गांव पहुंच गए। उसके बाद रात भर बच्ची को ढूंढा गया लेकिन बच्ची नहीं मिली। फिर सुबह SDRFC की टीम मौके पर पहुंची और फिर टीम ने तलाशना शुरू किया तो वो एक पेड़ में छिड़ी हुई नाले में मिल गई। लेकिन अब उसके बाद स्थानीय विधायक गोपाल भार्गव आज रजवांस पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने मृतक बच्ची के परिजनों से मुलाकात की है और इसके साथ ही उन्होंने 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की भी परिवार से बात कही है। इसके साथ ही उन्होंने परिवार को सांत्वना देते हुए कहा है कि मैं परिवार के साथ में खड़ा हुआ हूँ। और क्या कुछ कहा गोपाल भार्गव ने, जरा आप भी सुन लीजिए। परसों रात्रि में रजवांस ग्राम के कुशवाहा परिवार की एक नन्ही बच्ची, जिसकी आज लगभग 5 वर्ष थी, नाला में पानी की बाढ़ आ जाने के कारण से उसकी डूबने से मृत्यु हो गई थी। आज मैं आया हूँ यहाँ पे, तहसीलदार साहब ने, SDOP साहब ने, सभी लोग कर्मचारी और दुख की इस घड़ी में मैं परिवार के साथ हूँ और ये भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये वंचित परिवार क्यों रह जाते हैं। एक तो संवाद की कमी या नहीं आ पाते, वो सीधे हैं, सच्चे हैं और दुनिया की जो सब नियम कायदे सुविधाएं जो प्रावधान योजनाएं इनका लाभ नहीं ले पाते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि थोड़े से शासकीय विषयों में अज्ञानी हैं। अभी सारे विषय के बारे में जानकारी मिली, एक तो ये बात। दूसरी बात यह है कि उस बच्ची की मृत्यु के बाद जो RBC 6-4 हमारा प्रावधान है, उसके अनुसार 4 लाख रुपए की राशि बच्ची की मृत्यु होने के कारण से, बहने के कारण से, उसके परिवारजन को, उसके पिता जो दाता है, उनके लिए सौंपी जा रही है। और बच्चे जो सपना है उसकी मृत्यु पे सभी लोगों के लिए दुख है और मैं प्रयास करूंगा कि ये जो पुलिया है, क्योंकि मैं 15-20 साल पहले पदयात्रा में यहां से बारिश में निकला था, उसमें सड़क तो बनी नहीं थी, खराब थी, मेड़ों पर भी गया था घर घर पर। तब मैंने जब सरकार बनी, मंत्री बना दी, तो उस समय मैंने इस सड़क को पुलिया बनवाई थी। आज मैंने देखा कि पुलिया काफ़ी नीची है और नाले के ऊपर पानी काफ़ी नाले का है, तो उस पुलिया के लिए भी हम जल्दी से जल्दी, जैसी बारिश खत्म होगी तो इसको बनवाएंगे। MI मोबाइल स्टोर एवं रिधिमा मोबाइल लेकर आया है सैमसंग एवं बजाज फाइनेंस सुविधा। हर कंपनी का मोबाइल आसान किस्तों पर घर ले जाएं। साथ ही दिवाली के मौके पर विशेष ऑफर उपलब्ध है। हमारा पता है MI मोबाइल स्टोर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉम्प्लेक्स, दुकान नंबर 16, रहली, मध्य प्रदेश। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें विवेक गुप्ता।